माइनस 20-25 टैंपरेचर होना है। अनाउंसमेंट की गई कि जो रस्ते चले आफसा जो रस्ता बंद कर दिया गया है। ऐसे बोलने दे कि दो दिन यात्रा बंद रहेगी। हेलीकॉप्टर हो गया पेंचर आ क्यों गया गड्डी नू जन्नत कितनी जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग की हाल चाल ठीक ठाक हो सारे उम्मीद है सारे वधिया हो गए। अज आप स्टे किया आ गोबिंद घाट तैयारियां चलन दी चल गोबिंद धाम तो जो बाहर का मौसम खाइए तो बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा रेनी है रेनी बारिश हो रही है कल रात की शाम दे आए हैं कल कल शाम की बारिश हो रही है तुम देख सकते कितों तक बदल गए हैं। तैयार तैयार आप हो गए हाँ तो हूँ अपना काम रह गया सिर्फ परना बनन का परना बन के सिर ढक के फिर चलते यात्रा के वल रेनकोट आप ले कल ही रेनकोट पा के चलते यात्रा करते स्टार्ट फिर भी रहो परना परना आप बन के हो गए रेडी तो नाल के रूम अपने नाल दे वेट ते तैयार होए कि नहीं होए तैयार हो गए चलिए चलो चलो परना परना वड्डा ही ना अज पहले दिन बन्ने नाल नवा आ फाइनली रूम के जान का टाइम हो गया तो हम आप चले यात्रा दे सारे भरा अपने तैयार चलो बाबा जी गर समान वाधू जमा करा सोचा ही पर इतने भीड़ बहुत ज्यादा लाइन बहुत ज्यादा लगी है तो हूँ सोचे कि आप गड्डी समान रखे जो वाधू का तो जाना तो पैना वैसे मीह के पर हूँ आप गड्डी समान रखने लंगर छगन चले हाँ तो समान आप रख लिया इतने अपने भरा मिल गए जगह नहीं मिली सोचा गड्डी रख के समान गड्डी रखने तो पहला शादा छक लीजिए मेरे वीर बारिश बहुत ज्यादा इस करके आप बैग भी कवर कर ले अपने कपड़े दूजे गिले भावे हो जाए और बैग वाले कपड़े गिले ना हो क्योंकि जाके आप चेंज कर सकते हैं तो रेनकोट तो आप ले ही चलो 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 चलते हैं हम लेट हो गए टाइम तकरीबन हो गया 6:30 का जो यात्रा तो आप स्टार्ट करती ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਆਫਸਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੋਕਤਾ ਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਪੋਸਟਪੋਨਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਿਆ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕਿੰਨਾ ਜਿਆ ਸਾਫ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਰੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਾਨੀ ਓਏ किले करने पड़े तेन इतो पानी घट ही हाथ ना पा दी मगर वीर ने सुटती कहते होने मीह के यात्रा करने गए नहीं है हेमकोट साहब तो इतने तुरे फिरते किधर किधरे झरने विखाई जाते किधरे मीह विखाई जाते हैं बाबे हूं ना सू एक ना एमरजेंसी ने सू बुलाया गया इतने हेलीकॉप्टर पंचर हो गया जैक लाओ तुम फिर आने जैक जुक लाने लगे हूं जैक लाते तो फिर आप चलते फिर पंचर ला के ट्यूबलैस पंचर पंप भी आप लैके आए हैं फिर इनू करते हैं रेडी फिर आप चलते यात्रा और रस्ता जी जो आप पैदल चलना
इधर दी ठीक है जी, इधर दी हो गया। आप उधरली साइड जाना, ये काफ़ी दूर है गुरुद्वारा साहब नहीं कि गुरुद्वारा साहब मेरे हिसाब इतने गया, ये तुम वेख सको तो आने पहाड़िया ज जड़िया कि देख दी नहीं बर्फ ना ढकिया पे बहुत ज्यादा बदल ने उत्ते। अं आख्या भी अं तो थले आ नहीं सकते, तुम टायर उपर लाए हो, हूँ वो लैके आने के टायर उपर इतने आंदा तो फिर लाने पंचर। किड्डा सोहना व्यू आ, तो इनू छदा हो गया बंदे साढ़े नू, ये ज्यों सवेर का इनू हैलीकॉप्टर विखाया या जहाँ पहाड़ियाँ विखाइया, रीलां बनाई जाता है, फोटो खिंची जाता है, स्टोरियां पाई जाता है, सवेर का रोटी खाने इनू पता नहीं है, इनू स्टोरियां पाने पता है, तो ज्यादा हो गया फिर थोड़ा कर लेंगे हाँ, रोटी 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 खा के फिर स्टोरी पा लो, रोटी खा के ये पाऊ जी थोड़े जे मेंटली अपसेट हाँ, ये पिछले कई साल इतने रहा है, ऐलकी इन्हों पछाण लिया अमृतसर से, पछाण लिया इन्होंने कि अमृतसर दिया, हूँ इन्हू अं अमृतसर लैके जावे। जिहड़ी हैलीकॉप्टर की टिकट आ ये तकरीबन 2,900-3,000 दी आ जान जान, ये आप वापसी होनी आप उतो पानी मिलती, ये कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं करनी पैंती, एट ए टाइम इतने आओ तो टिकट करा लो जा सकते, पर मैं सोचता कि उसे ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि ये 6 किलोमीटर रह जाता पिछे, फिर आप ट्रैकिंग करनी पैंती है, तो उ 6 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी औखी आ, सो पैदल ही यात्रा करो। तो मौसम तो साफ हो गया इतने, पहले वेखो तुम कि किन्नी बारिश हो रही थी, तो हूँ पूरी तरह धुप लगी है, पर उपरली यात्रा ये चालू नहीं की, बंद आ ऐसे बोलने दे कि 2 दिन यात्रा बंद रहेगी, तो बट हो सकता कल यात्रा खुल जाए। अजे 12 का टाइम होया तो आप सोचा कि इतने हूँ आप फ्री हैं, दर्शन वगैरह कर ले सारा कुछ लागे बन्ने घूम फिर लिया बाजार च, हूँ अं चले हैं बद्रीनाथ, हूँ वेखते हैं उत्थे अपनी गड्डी तो जाने कि या टैक्सी जाने। हेमकोट साहब ने तुहानूं दस्सिया कि रस्ते बंद होए आ 2 दिन लई शायद बंद रहणगे, तो हूँ आप चले हैं बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ दी काफ़ी कहते खतरनाक सड़क आखो जी, इदा क्रॉसिंग करवानी पैंदी आ, उधरों गड्डियां आ रही ने तो वह गड्डियां लंघनगियां, फिर आपां नूं जाणा पैणा। आ क्यों गया गड्डी नूं गोबिंद घाट तो बद्रीनाथ सिर्फ 20-22 किलोमीटर आ, तो हूँ आ वेखो और जिहड़ा रोड आ उधर दी आपां जाणा, किन्ना खतरनाक रोड आ, तो उधरलियां गड्डियां आउणगियां लंघ जाणगियां, उन्होंने वायरलैस ना गल होती है वायरलैस से, उधर की लंघ जाएगी गड्डी उन्होंने, फिर अपनी गड्डिया जाएगियाँ। बदल नहीं पहाड़ा चाहे पहाड़ी बदलों से, देखो कि खूबसूरत नज़ारा, बड़ा वधिया लोकेशन है, आ नज़ारे आ खूबसूरत रस्ते दे, बाकी उत्थे जाके वेखते हैं मौसम का बिलकुल नहीं पता लगता, 10 मिनट पहला धुप निकल आती है करारी जी, 10 मिनट बाद बारिश होने लग पी, हूं यह बूंदाबांदी हो रही थी, हूं ही वेखो कि ज्यादा मीह आने लग पाया, आ बदल वेखो कितने आए हैं, इन्ना करके मौसम का पानी लगता। ड्राइवर वीर नूं बेनती है कि यहोजे व्यू ना वेखे, सीधा ध्यान रखियो वीर जी, तुम ठीक है ड्राइवर नूं घरे धरना है। बद्रीनाथ रह गया जी बाबे, 10 किलोमीटर रह गया बद्रीनाथ, जन्नत बर्फ पई पहाड़ा देखो इधर उपर भी, इतने मेरे हिसाब से माइनस
20-25 टेंपरेचर होना इस टाइम अजे भी। कच्चे पहाड़ आ इन्हां करके रोड खतरनाक है यार। अवे बिच वाटर क्रॉसिंग भी है छोटी छोटी, ऑफ रोड भी है। पहला रस्ता साफ आया, हुण इत्थे ज्यादा ऑफ रोड ही है क्यों पहाड़ियां किरदियां रहिंदियां, ओहदे करके रस्ता ज्यादा कच्चा ही आ। किते किते रोड बहुत ज्यादा साफ आ, नवे रोड बने आ, रस्ते आ इधर नूं जाण वाले। एक बने एडे उच्चे पहाड़ ते दूजे बने एडी डूंगी खाई। जनरल नॉलेज इन्होंने कठी की इसे करके अहीं लै के आए आ। बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तां ही कहिंदे बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा फायदा। इंटरव्यू च भी पास हो गया पर थोड़ा जिहा हाइट तो रह गया, हाइट ना थोड़ी छोटी मुंडे दी। गल रह गई सूरज वाली, सूरज ने असल सच्चाई हुण दस्सिया ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਤੋਂ ਕੱਟਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਚਾਦਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਵਿਦਵਾਨੀ ਨਾ ਘੋਟੇ। ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਖਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਨੇ बदल रह गए थले आ गए उत्ते हुण थले नूं बदल दिखदे आ। वाटरफॉल आ जिहड़ा जम्मिया पिया ਉੱਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਖੁਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਨਾ, ਉਤਰੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬਰਫ਼ ਆ ਉਹ ਜੰਮ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿਲੇਜ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਿਖਦਾ। ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਣੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਆ, ਪੂਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਉੱਡਣ ਦੀ ਆ। ਆਹ ਮੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਮੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕੇਸਰ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਮਾਪਤ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।